आजकल ये सारा उत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देता है। रक्षाबंधन तो होता था, लेकिन विशेषकर बहनों ने भाइयों को राखी बांधने का प्रचलन बहुत बढ़ा है। तो संस्कृति की चिंता करने वाले सब लोगों को आनंद होता है कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा का एक काम सारे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर होने लगा है। परंतु बाहर से दिखने वाली कृति होने से समाधान मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कृति तो आदत से भी होती है, परंपरा से होती है। कृति के पीछे विचार है, सोच समझकर कृति की जाती है, संकल्प पूर्वक किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए कृति की जा रही है, तब वो फलदायी होती है। केवल पीछे से चलता आया है इसलिए करने वाला अगर कोई है तो मेहनत तो होती है, कृति होती है तो मेहनत होती ही है, लेकिन फल प्राप्त नहीं होता। और सर्वसामान्य आदमी हर काम विचार करके ही करता है ऐसा नहीं है, गतानुगतिक रहता है। गतानुगतिक यह शब्द कई बार हमने इस प्रकार बिना सोचे समझे, पिताजी ने किया इसलिए कर रहा हूं, दादाजी ने किया इसलिए कर रहा हूं, ऐसा कहने वालों के लिए लगभग सभी भाषाओं में चलता है, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है। काशी में एक बड़े विद्वान रहते थे, अप्पैया दीक्षित उनका नाम था। और एक दिन वो नित्य क्रमानुसार गंगा स्नान के लिए गंगा के किनारे गए। अब वहां गंगा स्नान करना है तो आम प्रचलन है, सब लोग गंगा स्नान ही करते थे। पहले नल वगैरह नहीं थे, बाथरूम में पानी नहीं आता था। और गंगा जैसी पुण्य सलीला नदी है जिसमें एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो कौन छोड़ेगा। सब लोग वहां स्नान करने के लिए जाते थे, ये भी गए। और जाते जाते उनके ध्यान में आया कि आज सोमवार है और अमावस्या है, यानी सोमवती अमावस्या है। वो आज के दिन गंगा स्नान करके गंगा किनारे अगर हम पार्थिव पूजा करेंगे तो बहुत पुण्य लाभ होगा, ये अपनी परंपरा कहती है। तो गंगा किनारे आए, गंगा जल में डुबकी लगाई, संध्या वंदन किया, उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और फिर किनारे पर आकर पूजा की सामग्री निकाली। पार्थिव पूजा करेंगे, लेकिन उसी में उनको लघु शंका की थोड़ी भावना हो गई। गंगा किनारे रहने वाले लोग जानते हैं ये सब गंगा को मैले करने वाले कृत्य गंगा किनारे पर नहीं किए जाते, ऐसा अपने परंपरा में था। अब तो सारे कृत्य वहां होते हैं, फैक्ट्रियों का मैला, टैंडनीज का पानी, सब कुछ जाता है और इसलिए गंगा शुद्ध करने की बात चल रही। लेकिन पहले अपना सामाजिक अनुशासन ऐसा था कि नित्य कर्म से निवृत्त होना है तो गंगा पार करके कुछ दूर जाना, क्योंकि उत्तर के तरफ गंगा का पानी नहीं जाता, गंगा का पानी दक्षिण की तरफ आता है, तो उधर कुछ हुआ तो गंगा का पानी मैला नहीं होता, ऐसा मानते थे। लेकिन अब ये सारा पूजा का वो थाली है, लोटा है, आचमन लेने के लिए वो धरणी है, ऐसी बहुत सारी सामग्री थी, अब वो किसके भरोसे छोड़ना। तो अप्पैया दीक्षित के मन में एक कल्पना आई कि बाद में तो पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाना ही है, उसके पहले एक बड़ा रेत का शिवलिंग बनाकर इस सामग्री पर ही उसको बना देते हैं। तो उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठा की, उस पर एक रेत का शिवलिंग बना दिया और गंगा पार करके चले गए। वहां बहुत सारे लोग थे स्नान करने वाले,
वो सब पहचानते थे अप्पैया दीक्षित को। उन्होंने देखा कि अप्पैया दीक्षित आज अगर गंगा किनारे अपने झोले में से कुछ निकालकर उस पर शिवलिंग बना रहे, इसका मतलब इससे बहुत बड़ा पुण्य लाभ होने वाला है। तो सब लोग फटाफट किनारे आ गए, अपने वस्त्र और पास में जो कुछ था वो एक जगह रखा, सबने उस पर रीति का एक शिवलिंग बना दिया। और जैसे अप्पैया दीक्षित गंगा पार गए थे, वो भी गंगा पार चले गए। अप्पैया दीक्षित अपने निवृत्त होकर वापस आने लगे तो ये लोग मिले, कहां आए थे? नहीं, आप इधर आ गए तो हमने सोचा आपका अनुकरण करना चाहिए, इसलिए आ गए। अच्छा चलो वापस चलो, वापस आ गए। देखते तो शिवलिंग का सामग्री का, क्योंकि सब लोगों ने रेत की शिवलिंग बना दिए थे, अपना कौन सा पहचान में नहीं आता था। हताश होकर अप्पैया दीक्षित के मुख से एक श्लोक बाहर आया, उसकी दूसरी पंक्ति है, गतानुगति को लोको न लोको पारमार्थी कहा। लोग अच्छा काम भी करते हैं तो भी चलते आया है इसलिए करते, पारमार्थिक भाव से नहीं करते। और इसलिए इतने सारे कर्म पूजा भारतवर्ष का लगभग प्रत्येक व्यक्ति करते रहता है जीवन में, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। और इसलिए कृति के पीछे विचार कौन सा है, भाव कौन सा है, इसका महत्व है। और इसलिए ऐसे पर्व त्योहारों पर यह स्मरण करना चाहिए कि यह मैं क्यों कर रहा हूं। रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, अपने यहां पर परंपरा से चलते आए हुए आने वाले इतने पर्व है कि रोज हम उत्सव मना सकते, परंतु कुछ उसमें पर्व ऐसे है जिनका सामाजिक महत्व है। बिल्कुल वर्ष के प्रारंभ में जो आता है वर्ष प्रतिपदा, उसका सामाजिक महत्व है। वो अपने संस्कृति के विजय का दिवस है, इसलिए हम उस दिन पताका लगाते घर पर, उस दिन संकल्प करते हैं, स्वतः संकल्प का दिवस। दूसरा, परंपरा से जो चलता आया है, एक नया शुरू किया है वो मुझे मालूम है, उसको हम हिंदू साम्राज्य दिवस कहते हैं, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस। क्योंकि अब तक हुए आक्रमणों से अत्यंत भिन्न ऐसा एक आक्रमण देश पर हुआ था, उससे लड़ते लड़ते और उसका उपाय मिल गया, अनेक लोगों ने प्रयोग किए, अनेक लोग लड़े, लेकिन पहला प्रयोग सफल हुआ शिवाजी महाराज का, इसलिए उसको फिर से इस देश में, इस देश के संस्कृति के पहचान के आधार पर सारे तंत्र की पुनर्स्थापना का वो प्रारंभ है। ऐसे ही एक महीना पहले गुरु पूर्णिमा सारे देश में, और ये चौथा रक्षाबंधन है, पांचवा विजयादशमी, छठवा मकर संक्रांति, इनका सामाजिक राष्ट्रीय महत्व है सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ। आज का अपना रक्षाबंधन है, हम राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र उसको कहते हैं, और अगर बहन भाई को राखी बांधती है तो बहन भी समझता है, बहन भी समझती है, भाई भी समझता है कि राखी इसलिए बांधी जा रही कि जो मुझे राखी बांध रहा है उसकी मैं रक्षा करूं, बहन की रक्षा भाई करता है। जहां भाई बहन का ये कार्यक्रम नहीं होता था, वहां पुरोहित तो अपने यजमानों के पास जाकर रक्षा सूत्र बांधता ही था, मंत्र कहता ही था, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनम त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षेमाचदमाच, मैं तुमको बांध रहा हूं। क्यों? पुरोहित यजमान को कहता है कि ये मेरी रक्षा है, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा हित करूं। ये रक्षा क्यों चाहिए और रक्षा किसकी चाहिए, व्यक्ति की चाहिए क्या? व्यक्ति को सुरक्षित कौन कर सकता है? कितना भी बचे, कितना भी बचे, अंत में तो मरेगा ही, प्रत्येक व्यक्ति मरेगा। सुखपूर्वक जिएगा तो भी मरेगा, दुखपूर्वक जिएगा तो भी मरेगा,
तो अगर मरना ही है तो डरना किसको? खाने वाला भी मरता है, भूखा रहने वाला भी मरता है, अमीर भी मरता है, गरीब सब लोग मरते हैं, तो फिर डरना क्या है? ऐसा नहीं सोचते लोग। क्यों? क्योंकि केवल व्यक्ति की रक्षा का यह प्रश्न नहीं है। व्यक्ति जिनसे बनता है उन बातों की रक्षा का प्रश्न है। शरीर मन बुद्धि ये तो दिखता ही है सबको, प्रत्येक व्यक्ति जानता है मेरा शरीर है, शरीर की आवश्यकता है वो बोलती है तो उसको पूरा करना पड़ता है, मन की आवश्यकता है वो भी बोलती है उनको भी पूरा करना पड़ता है, बुद्धि की आवश्यकता है बोलती है उसको भी पूरा करना पड़ता है, इसलिए इसको सब लोग जानते हैं। उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है तो भी, और एक बात है जो बोलती नहीं है लेकिन ध्यान में आती है और उसको पूरा किए बिना व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति क्या है? केवल शरीर मन बुद्धि से जो व्यक्त होता है वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्तित्व विकास का प्रयास करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं? हमारे यहां ऐसा कहा गया है कि शरीर मन बुद्धि से परे अंदर में कोई है जो अपना वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप के प्रकाश का शरीर मन बुद्धि के द्वारा व्यक्त होना यह जो कर सकता है वो व्यक्ति है। भगवान अंदर बैठा हुआ व्यक्त होता है, भगवान सबके अंदर है, हमारे यहां तो भगवान केवल मनुष्य के अंदर है ऐसा नहीं मानते, दुनिया में मत है ऐसा मानते हैं कि आत्मा केवल मनुष्यों में ही होता है और मनुष्यों में भी पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में नहीं होता, ऐसा मानने वाले मत है, मत अपने अपने जगह है। हमारे यहां तो ऐसे माना जाता है कि कण कण में ईश्वर है, कोई अन्यायी अत्याचारी जुलिमी राजा अगर पत्थर के खंभे को भी लात मारेगा तो उसमें से भी भगवान प्रकट होता है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन अंदर के भगवान को अपने चरित्र के द्वारा व्यक्त करने का सामर्थ्य किसका है? कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता, उनके अंदर भी है भगवान, उनके अंदर भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में भगवान है, परंतु अपने अंदर के भगवान को व्यक्त करना और इतनी मात्रा में व्यक्त करना कि करणी करके नर का नारायण हो जाना, यह सामर्थ्य किसका है? यह सामर्थ्य जिसका है उसको मनुष्य कहते हैं, उसी को मनुष्य कहते हैं। ये जो नहीं कर सकता, जिसमें यह गुण नहीं है, उसको प्राणी कहते हैं, प्राण है उसमें लेकिन वो मनुष्य नहीं है, मन है उसमें कम ज्यादा मात्रा में है लेकिन वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का मन मन क्यों? क्योंकि वो मन जैसे बंधन का कारण बनता है वैसे वो मुक्ति का भी कारण बनता है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, ये मनुष्य की विशेषता है। और इसलिए अपने यहां पूर्वजों ने ऐसा माना कि अपने अंदर के इस भगवान को अपने द्वारा पूर्ण अंश में प्रकट करना यह मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है, इसको पूरा करने के बाद कभी समाप्त न होने वाला और कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है। बाहर की वस्तुओं के पीछे भागेंगे, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, पैसे के पीछे भागोगे उसमें सुख नहीं है। क्यों नहीं है सुख? उसमें बाहर की वस्तुओं में है नहीं, सुख अपने अंदर है, और इस कारण है कि ये जो भगवान है उसको आनंद चाहिए, ऐसे सोचने के कारण सारी वस्तुएं बनी, सारे जीव बने, सारे प्राणी बने, तो उसमें आनंद कहां से आ गया? उसी का आनंद, उसको जो आनंद चाहिए अपनी मनोरंजन के लिए उसने जो उत्पन्न किया है उसका उद्गम वही है, उसको पालो तो सब कुछ मिलेगा, और वो बाहर नहीं होता, वो अपने अंदर है। रसगुल्ला खाओ, पांच खाओगे, दस खाओगे, कितना खाओगे, आनंद हो है रसगुल्ला, रसगुल्ले में सुख है ऐसा हम मानते हैं,
100 खाएंगे 200 खाएंगे, कितने खाएंगे इससे ज्यादा, फिर ना कहेंगे, ना कहेंगे तो लोग आग्रह करेंगे और 100 खाएंगे, 300 के बाद रसगुल्ला सामने लाया तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि सुख उस रसगुल्ले में नहीं। अर्थशास्त्र भी कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये यूटिलिटी डिमिनिश कैसे होती है, क्योंकि यूटिलिटी की कल्पना हमने की है, वो रसगुल्ले की नहीं है, और इसलिए उसको पाना है, लेकिन कैसे उसका प्रकाश पूर्ण फैलाना है। कोई लालटेन है उसके अंदर प्रकाश है, उसको पूर्ण मात्रा में बाहर फैलाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लालटेन का कांच है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, वो रंगीन नहीं होना चाहिए। लाल रंग का कांच है तो अंदर की ज्योति लाल दिखेगी, हरे रंग का है तो हरी दिखेगी, उसका अपना रंग नहीं होना चाहिए, उस पर मैल नहीं होना चाहिए, मैल हो जाएगा ज्योति धीमी पड़ जाएगी। तो वैसे हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अगर ऐसा है, अंदर के प्रकाश को पूर्णतः व्यक्त करके नारायण बन जाने से कभी समाप्त न होने वाला और सदा समान रहने वाला, फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है, और उसके लिए बाहर के कांच को जिसमें से यह प्रकाशित होना है, शरीर मन बुद्धि को बिल्कुल साफ सुथरा और अपना कोई रंग न होने वाला बनाना है, तो उसके लिए संस्कार करने पड़ेंगे, मांजना पड़ेगा और ये रोज करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक संस्कारों की पद्धति बनाई, जिससे हमारे देश का एक स्वभाव बन गया, वो संस्कृति है। मनुष्य अपने अपने स्वभाव को लेकर उन्नत होता है तो वो उसकी उन्नति उसको सुख देती है। मनुष्य अगर स्वभाव को छोड़कर सुख की सारी बाहरी वस्तुएं पाता है वो सुखी नहीं होता। जंगल में रहो, जंगल में दर दर भटक के शिकार खोजो, शिकार करके उसको मार के खाओ, बाद में 15 दिन में नहीं मिली तो 15 दिन भूखे रहो, बाद में शिकारियों का डर है, इसका डर है, उसका डर है, मैं शिकार करता हूं मेरी भी शिकार कोई करेगा, ऐसे डर में सदा जंगल में जीना, न कोई घर है न कोई वस्त्र है, कुछ नहीं है, ये क्या सुख का जीवन है क्या? नहीं, ये सुख का जीवन नहीं है। सब लोग ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। ऐसा एक शेर था जो ऐसे ही जीता था दुख में, मनुष्य को बड़ी दया आई, उसको उठाया वहां से, पकड़ा और सर्कस में लाया, और सर्कस में उसको रोज अपने पिंजरे में 2 बार बकरी का मांस खिलाया, बदले में उसको कुछ काम नहीं, लेकिन काम करते समय उसको नई नई कलाएं सिखाई, उसको फुटबॉल खेलना सिखाया, उसको साइकिल चलाना सिखाया, और उसका खेल देखकर लोग पैसे भी देते थे, जिस पैसे से उसको ज्यादा मांस मिलता था। तो अगर आंख मूंदकर हम देखेंगे कि यहां घर है, नियमित रोजगार है, नई नई कलाएं सीखने के अवसर है, और घर बैठे रोज खाने की गारंटी है, तो क्या जंगल का शेर उस सर्कस में सुखी होगा? सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शेर का स्वभाव नहीं है। ऐसे एकाधा मनुष्य सुखी हो सकता है, वो भी सुखी नहीं होता, वो सुखी ऐसे नहीं होता। इसलिए तो राणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया, कहा कि तुम्हारा सब ठीक है, तुम्हारा राज्य सुरक्षित है, तुम्हारी प्रजा उसके कारण अत्याचारों से मुक्त है, लेकिन तुमने अपने स्वतंत्रता का समझौता अकबर से कर लिया है तो क्या सुख मिलेगा? मैं जंगल जंगल भटकता हूं, मेरी प्रजा को मेरे साथ लड़ना पड़ता है, बहुत कष्ट है, भूमि शयन करना पड़ता है, घास की रोटी खानी पड़ती है, लेकिन मैं अपने स्वतंत्रता का समझौता नहीं करूंगा, उसी में मेरा सुख है। स्वभाव, समाज के स्वभाव को संस्कृति कहते हैं। रक्षा उसकी करनी है, उसकी रक्षा के लिए अपना शरीर मन बुद्धि भी सुरक्षित रहे।
क्योंकि संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो कांच साफ सुथरा रहेगा, कांच साफ सुथरा रहेगा तो अंदर है उसका पूर्ण प्रकाश मेरे में से व्यक्त होगा, तो वास्तव में व्यक्ति कहलाने का मैं अधिकारी हो जाऊंगा। और इसलिए इसको जानने वाले न जानने वाले सभी मनुष्य दुनिया में आप कहीं भी देखो, वो इन सब बातों की रक्षा का प्रयास करते हैं। मेरे इस विचार का विरोध करने वाले लोग भी अपने अपने देश में इसी की रक्षा का प्रयास करते हैं। भी जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन की हवा चल रही है ऐसा कहते हो, लेकिन अमेरिका में जाओ, आपको वहां का अगर नागरिक बनना है तो आपको अमेरिका का इतिहास पढ़ना पड़ता है। अमेरिका के विचारों का अनुकरण करने का दावा करने वाले लोग हमारे देश में बताते हैं कि इतिहास वगैरह सब फालतू है, इतिहास से पैसा नहीं मिलता, जिससे पैसा नहीं मिलता वो फालतू है, इसलिए इतिहास पाठ्यक्रम से बंद करो, अगर है ही तो विकृत इतिहास भरो ताकि लोग चुपचाप मुंडी नीचे डालकर जिसकी नौकरी करनी पड़ती है उसकी नौकरी करते रहे। लेकिन उनके देश में क्या है, वहां आपको अमेरिका का इतिहास मालूम करना पड़ता है, फाउंडिंग फादर्स का चरित्र पढ़ना पड़ता है, उसकी परीक्षा होती है, उसमें पास होने पर आपको वहां का नागरिकत्व मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। क्या है भाई, अब्राहम लिंकन का नाम नहीं सुना तो क्या बिगड़ता है, अमेरिका में रह सकते हैं। डॉक्टरी करने के लिए अब्राहम लिंकन का चरित्र नहीं चाहिए, कोई पेशेंट अब्राहम लिंकन के चरित्र के अनुसार ठीक नहीं होने वाला। डॉक्टरी विद्या बहुत अच्छी आती है, अपना काम ठीक कर सकता है, अमेरिका में रह सकता है, वहां नागरिक बनकर नहीं रह सकता। डॉक्टरी आना अच्छी बात है, उसके लिए हमको चाहिए ये आदमी, अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसको अब्राहम लिंकन का चरित्र मालूम चाहिए, नहीं तो ये अमेरिका का आदमी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि समाज का स्वभाव उसका प्रतीक है अब्राहम लिंकन। और इसलिए समाज के विकास की पहली शर्त है सुरक्षा, जो सुरक्षित नहीं है उसका विकास भी नहीं होता। सुरक्षित नहीं है वो कहां विकास पर ध्यान दे सकता है, उसको तो आए दिन अपने जान को बचाने की पड़ी है, उसी की व्यवस्था करते करते उसका समय और उसके साधन समाप्त हो जाते हैं, विकास की बातें ही नहीं कर सकते। सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए तब विकास होगा। विकास की पहली सीढ़ी है सब मामलों में सुरक्षा, और पहले तो सुरक्षा का विषय बहुत आसान था कि बाहर से होने वाले आक्रमणों से, शत्रुओं से, जीव जंतु जंगल के लेकर तो मानवीय शत्रु, इनसे सुरक्षा, और बीमारियां रोग पर्यावरण की उथल पुथल उसमें से सुरक्षा, बस सुरक्षा का विषय समाप्त। पक्का सुरक्षित घर चाहिए, घर की रक्षा करने वाले, हाथ में तलवार लेकर पहरा देने वाले अच्छे लड़ाकू लोग चाहिए तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब आदमी ने देखने के लिए तो तलवार छोड़ दी, लेकिन तलवार से ज्यादा घातक अस्त्र शस्त्र बनाए, और बिना हाथ में तलवार लिए दूसरों को जीतने के तरीके भी बनाए। अपने ही देश में बैठे आपके सरकार में एक भी आदमी अपना नर रखते हुए वो आपके ही सरकार के द्वारा आर्थिक बंधनों से आपको पराजित कर सकते हैं, किया है दुनिया भर में, वर्तमान साक्षी। आपकी सरकार उनके वश हो जाए इसलिए आपका दिमाग बदलकर उसको, आपका अपना दिमाग न रखते हुए अपने दिमाग का प्रत्यारोपण उस पर करना, शिक्षा के द्वारा, तरह तरह के लालचों के द्वारा, दूरदर्शन के सूक्ष्म प्रचार के द्वारा, ये तंत्र चल रहे हैं, चल रहे, इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। तो आज सुरक्षा का विषय इतना व्यापक बन गया है, अपने देश के जन जल जंगल जमीन जानवर परंपरा सहित सब बातों की सुरक्षा,
एक बार मैं सुरक्षा विशेषज्ञों के बैठक में गया तो मैंने सुरक्षा विषय के आयाम वहां पर सुने, खाद्यान्न सुरक्षा, ये भी अपने राष्ट्र की सीमा सुरक्षा से विषय संबंधित है। जल सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, अपने यहां के पर्यावरण की सुरक्षा, अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपने व्यापारियों की सुरक्षा, इनमें से किसी भी एक दरवाजे में छेद होने के बाद शत्रु उसमें से अंदर घुस सकता है। ये जमाना धर्मयुद्ध का नहीं है, ये ट्रोजन हॉर्स वाला जमाना है, उनके पुराणों के अनुसार छद्म युद्ध का जमाना। और इसलिए सुरक्षित होने के लिए कितनी बातों का विचार करना पड़ता है, हर एक छोटी बड़ी बात आंख में तेल डालकर देखनी पड़ती है, कहीं इससे कहीं का हमारा दरवाजा तो खुल नहीं रहा शत्रुओं के लिए। व्यक्तियों से लेकर नीतियों तक इसका विचार करके चलना पड़ता है। इतना बड़ा यह सुरक्षा का व्यापक विषय है। और इसलिए दुनिया में हम देखते हैं कि सुरक्षा वालों की और विकास वालों की लड़ाई होती रहती है। विकास करना है तो पर्यावरणवादियों से लड़ना पड़ेगा, पर्यावरण विकास के विरुद्ध, विकास पर्यावरण के विरुद्ध, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पैसा चाहिए तो नीति छोड़नी पड़ेगी, नीति चाहिए तो दरिद्री रहना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि और संस्कार संस्कृति एक दूसरे के विरोधी है। ऐसा मानकर दुनिया चल रही है, हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारी ये सारी बातें परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे की सहायक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना कि विकास याने स्वैराचार नहीं है, विकास याने बंधन है। इसलिए हम रक्षा बंधन कहते हैं। अरे तुम बांध रहे हो मुझे, तो विकास की कैसे अपेक्षा करते हो, सुरक्षा की कैसे अपेक्षा करते हो? सुरक्षा याने बंधनों से मुक्त होना, नहीं नहीं, बंधन ऐसे नहीं होता। मनुष्य अपने जन्म से ही बंधा है, वो बद्ध ही है, वो मुक्त है नहीं। मुक्त उसको होना है, लेकिन मुक्त होने से होने के लिए उसको छोटे बंधनों को काटकर बड़े बंधनों में आना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो बंधन है वो मुक्ति का बंधन है, वो भी बद्धावस्था है एक तरह से। लेकिन वहां जो वस्तु है वो एक ही वस्तु है, दूसरी है ही नहीं, इसलिए वो बंधन बंधन नहीं रहता, इसलिए वो मुक्ति का बंधन है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम स्वतंत्र होते चले जाते, कहने के लिए तो हम स्वतंत्र ही होते, लेकिन स्वतंत्र नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा बंधनों में फंसते। घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा बात नहीं कर सकता, केवल रो सकता है बस, सब बातों के लिए भूख लगी तो रोएगा, डर लगा तो रोएगा, केवल मां पास में है तो हंसेगा। ऐसा इतनी बुद्धि वाला बच्चा है तो उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य कुछ नहीं है, अपने आप को ठीक रखना, वो भी दूसरे करते हैं। उसका कर्तव्य केवल होना रहना इतना ही है, वो रहता है बस, उसकी सारी चिंता बाकी लोग करते हैं। भूख लगी, खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये सब बाकी लोग करते, रहना और रोना इतना वो करते, उस पर कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन वो अगर 17-18 साल का नौजवान हो जाए और वो कहे कि मैं तो बचपन में बहुत स्वतंत्र था, कपड़े नहीं पहनता था, तो अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं कपड़े क्यों पहनूं? नहीं चलेगा। आपको अगर बड़ा कहलाना है, आप बड़े हो गए हो, तो आपको फिर कुछ बंधन शुरू, फिर वो जहां तहां रोएगा, ये नहीं चलेगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है मैं बड़ा हो रहा हूं, अधिकाधिक स्वतंत्र हो रहा हूं, पहले तो मैं परनिर्भर था, अब तो मैं परनिर्भर नहीं हूं, मैं अपने हाथ से कर सकता हूं। लेकिन वो करने के लिए उसको और कुछ बंधन स्वीकार करने पड़ते,
फिर वो सोचता है कि ये माता पिता के बंधन में क्या रहे, खुद कमाई करेंगे और अपना जीवन खड़ा करेंगे, ठीक है करो, लेकिन खुद कमाई कर स्वतंत्र होने के बाद अपने परिवारजनों को पालने का बंधन वो अगर नहीं स्वीकार करता तो दुनिया में कहीं उसको अच्छा नहीं मानते, कहीं अच्छा नहीं मानते। और इसलिए मनुष्य का विकास क्या है, ये अधिकाधिक विस्तृत होने वाले एक के बाद एक के बंधनों में जाना। पहले मैं केवल मेरी अपनी भूख, मेरा अपना मनोरंजन इतने ही दिखता था, फिर उसके बाद नहीं नहीं हमारी माता है जो हमको दूध पिलाती है उसको प्रसन्न करना चाहिए, उसने समझाया तो चुप होना चाहिए, इतना समझने लगा वहां अब बड़ा होने लगा ऐसा लोग कहने लगे। बाद में मैंने सोचा कि माता है, पिता है, भैया है, बहन है, सब है, इनको इनकी मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़े भैया कहते हैं वैसा रहना चाहिए, छोटी बहन के रक्षा का दायित्व मेरा है, राखी बांधता हूं मैं तो कम से कम कुछ देना चाहिए, अभी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं, बच्चा हूं। जब हम समझने लगते हैं तो लोग कहते और बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा बंधन आ गया, व्यक्ति छूट गया, परिवार का बंधन आ गया, परिवार के लोग परिवार के बंधन को मानकर चलने वाले अच्छा है ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई आदमी परिवार के बंधन को तोड़कर अपने बस्ती के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए काम करता है, लोग कहते बस हमारे परिवार का नाम रोशन किया, परिवार का बंधन तो तोड़ दिया उसने। उनकी कहानियां बताते, विवेकानंद ने क्या किया, परिवार को अच्छी स्थिति में था स्वामी विवेकानंद का, लेकिन उन्होंने परिवार का बंधन छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जो किया उसके कारण विवेकानंद के परिवारजन सब ऐसा कहने लगे कि विवेकानंद हमारे घर से बाहर चले गए, हमको ऐसा छोड़ के चले गए, लेकिन हमको इतना समाधान दिया उन्होंने, इतना सम्मान दिया, हमारे परिवार का नाम उसने रोशन किया, ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे। एक बंधन तोड़ दिया लेकिन एक दूसरा बंधन उन्होंने अपने इर्द गिर्द खड़ा कर दिया, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र। ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ के नए बंधनों को स्वीकार करना, इसकी आवश्यकता होती है और ये सबको करना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा अपना विकास नहीं करता, कोई दूसरा अपना विकास नहीं करता। विकास कौन करता है, धर्म से चलने वालों का धर्म विकास करता है। पहले ऐसा एक श्लोक महाभारत में है, राज्ञः धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा लोकस्तदनुवर्तन्ते। राजा का वर्णन है, राजा अगर धर्मिष्ठ है, धर्मणी है, तो प्रजा धर्मिष्ठा होगी, राजा अगर पाप करने वाला है तो प्रजा भी पाप की ओर प्रवृत्त होगी, राजा अगर समदृष्टि वाला है तो प्रजा भी समदृष्टि वाला वाली होती है, क्योंकि प्रजा उसका अनुकरण करती है, जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन जैसा राजा वैसी प्रजा यह भी कैसे होता था, और आज तो राजा को बनाने वाली प्रजा ही है, दूसरा कोई नहीं। हमारे राजा कौन होंगे हम तय करते हैं 5 साल के बाद, तो हमारे राजा हमारे जैसे ही होते हैं, यथा प्रजा तथा राजा, ऐसा होता है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। और इसलिए अगर हमको सुरक्षा चाहिए और अगर हमको विकास चाहिए और अगर हमको ये एक साथ चाहिए जो दुनिया में एक साथ नहीं मिलता, तो हमको अपनी परंपरा को सोचना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उसको अपने आचरण में लाना पड़ेगा, उसका एक युगानुकूल रूप खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि परंपरा तो पुरानी होती है, समय हमेशा नया होता है, नए समय में पुरानी बात नहीं चलती, लेकिन जमीन हमेशा पुरानी रहती है। और सारे आसमान में उड़ने वालों को भी जमीन के पास वापस आना पड़ता है, चिड़िया उड़े कितनों आकाश, चारा है माटी के पास।
और इसलिए अपने परंपरा से हमको जो स्वभाव के मूल्य मिले उन मूल्यों पर अपने पैर पक्के रखकर नए समय की नई हवा के अनुसार उस परंपरा को ढाल कर अपने आचरण से व्यक्त करने वाला समाज वो आगे बढ़ता है, वो अपने स्व की भी रक्षा कर लेता है, अपने स्व की रक्षा करने के कारण सुरक्षित हो जाता है और सुरक्षित होने के कारण विकसित होता है। भारतवर्ष का विकास, विकास करते करते भारत भारत ही नहीं रहा तो भारतवर्ष का विकास होगा ही नहीं। और जिसको अपना चेहरा नहीं है ऐसे भारत का उपयोग बाकी सारी दुनिया अपने गुलाम के नाते ही कर लेंगी, ये निश्चित बात है। क्योंकि दुनिया में जिसकी पहचान नहीं उसको न सुरक्षा है न प्रतिष्ठा है। उसका विकास यानी एक धनी आदमी के सुखी गुलाम का विकास होगा। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा भी चाहिए, हमको विकास भी चाहिए। ये दोनों एक साथ चाहिए तो हमको अपने स्व को युगानुकूल आचरण से व्यक्त करना होगा, क्योंकि वही एक स्व दुनिया में ऐसा स्व है जिसके पास ये उपाय है दोनों साथ साथ चलाने का। और ये दायित्व हम सबका है, ये ठेके पे देने वाली बात नहीं है, राजा पर छोड़ देने की बात नहीं है, राजा पर छोड़ देने की बात नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र का जमाना है, प्रजा मालिक है। वो जागृत रहेगी तो अपनी इच्छा से अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाया है, लेकिन किसने लाया है? लोगों ने लाया है अपनी इच्छा से। लोग नहीं चाहते तो वही लोग वही पार्टियां आगे नहीं आ सकते। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग। उनके मन में था, उन्होंने किया। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे, अब तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। और इसलिए लोग जो है, प्रजा है, सामान्य आदमी है, हम आप हम सब लोग हैं। हम कितने जागरूक हैं इस पर निर्भर करता है। और हमको यह समझना पड़ेगा कि ये दायित्व अगर हमारा है तो उस विकास के लिए, सुरक्षा और विकास को एक साथ पाने के लिए हमको बंधन में रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा। भुवनेश्वर का ट्रैफिक अगर ठीक चलना है तो सबको राहदारी के नियमों का बंधन पालन करना पड़ेगा। जिसका वाहन बड़ा है और गतिमान है वो कहेगा कि मुझे पहले रास्ता, वो नहीं चलेगा भाई, जैसा नियम है वैसा चलो। वैसा जब नहीं होता तब जाम हो जाता है, उसका भी अनुभव हम करते हैं। मैं नागपुर में रहता हूं, तो नागपुर में एक चौरा है, वहां न बत्ती है न पुलिस कभी रहता है। अब जहां बत्ती है पुलिस है वहां तो धाक से कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन वहां क्या होता है कि सब लोग और सब वाहन एक साथ जाने की इच्छा रखते हैं और चारों ओर से सब लोग जाने के लिए बढ़ते, इसलिए कोई कभी कहीं भी नहीं जाता, वही जाओ वही खड़ा है। सब प्रयास कर रहे हैं अपनी दिशा में आगे बढ़ने का, लेकिन कोई बढ़ नहीं पाता क्योंकि अपने बढ़ने से ही वो जाम को और पक्का कर देते। हमेशा उस चौराहे से गुजरना है तो 10 मिनट ज्यादा लेके चलना पड़ता है, अभी तो 10 ही मिनट है। पता नहीं हावड़ा ब्रिज जैसा कभी हो जाएगा, पहले था हावड़ा ब्रिज, आजकल नहीं होता ऐसा सुना, क्योंकि पहले वहां एक एक घंटा दो दो घंटा लग जाता था कलकत्ता में। ये क्यों होता है? थोड़ा कभी रास्ते के एक तरफ खड़े होके आप लोगों को देखो, आपको पता चल जाए। और उस समय अपना भी याद करो, अपना भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, होता भी होगा। सबको जल्दी है, सबको जाना, और मैं पहले जाऊं ये सबकी इच्छा है। मैं जो रास्ता चुनूंगा उसी पर जाऊंगा, मुझे बाजू होने को कोई ना कहे, कहे तो भी मैं होऊंगा नहीं, ऐसा सब करेंगे तो कैसे चलेगा? रहदारी ठीक नहीं रहेगी।
जीवन में सब बातें ऐसी है, सबको मिले अगर ऐसा है तो सबको बंधन में रहना, केवल मैं अकेला रहता दुनिया में, आदम और हवा का जमाना रहता, दो ही लोग हैं वो, तो सारी दुनिया खुली पड़ी है, तो कोई चिंता नहीं थी, तब धर्म वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये था ही नहीं कोई, वो अब ऐसा नहीं, हम सब लोग हैं और सबको सुखी होना है, और सबको सुखी हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते, ये भी पक्की बात है, सब सुखी नहीं होंगे तो हम सुखी होंगे क्या? नहीं, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग गरीब रहेंगे, तो कभी ना कभी गरीबी की जो आग है वो मन में द्वेष पैदा करेगी, चिढ़ पैदा करेगी, उसका विस्फोट होगा, विस्फोट सबको झेलना पड़ेगा, सारी दुनिया सुखी हो यही सुखी होने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सारी दुनिया सुखी हो ऐसा अगर होना है तो आपको अपनी सब बातों पर बंधन लाना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं पर भी बंधन लाना पड़ता है, अपने अहंकार, दूसरों की स्वतंत्रता का रक्षा करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का आपको संकोच करना पड़ता है। थॉमस पेन नाम का एक अमेरिकन आदमी यानी विद्वान था, उसका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि अपना हाथ चाहे जैसे घुमाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरे हाथ की स्वतंत्रता की मर्यादा है तुम्हारे गाल तक, मेरा हाथ घूमे चाहे जैसे मेरी इच्छा के अनुसार, लेकिन गलती से तुम्हारे गाल पर पड़ गया तो वो मेरी गलती होगी, वहां बंधन है, वहां नहीं जाना। ये स्वयं समझना, स्वयं इसको समझाते हैं, स्वयं समझते हैं और ऐसा आचरण करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग धार्मिक है। और जब सारी दुनिया ऐसी थी तब किसी राजा की आवश्यकता नहीं थी, उस स्थिति का वर्णन है अपने आप, न राज्यम नैव राजासीत न च दंड्यो न च दांडिका, राज्य नहीं था, राजा नहीं था, दंड करने लायक आचरण कोई करता नहीं था, इसलिए दंड करने वाला भी कोई नहीं था, फिर चलता कैसे था? धर्मे नैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्पर, धर्म से लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे। यानी क्या, हम अपनी भाषा भी भूल गए आजकल, धर्म कहने के बाद हमको पूजा पाती याद आती है, धर्म की बात करने वाले से वाले को कहते कम्युनल है कम्युनल है कम्युनल है, लेकिन धर्म से इन सब बातों से कोई संबंध नहीं है। धर्म वह है जो सबकी धारणा करता है, धर्म वह है जो सबको जोड़ता है, धर्म वह है जो सबको तमस से ज्योति की ओर अग्रसर करता है, मृत्यु से अमृत की ओर अग्रसर करता है, वो धर्म है जिससे इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख की प्राप्ति होती है, वो धर्म है। रक्षाबंधन ये धर्म का बंधन है। रक्षाबंधन क्यों करना? स्वयं को याद दिलाना कि हम बंधे हैं, कदम कदम आगे बढ़ना है। मैं अपनी चिंता करता हूं और आदमी करता है, सौभाग्य से अपने देश में अभी भी परिवार का बंधन है, परिवार की चिंता सब लोग करते हैं। कितने भी दूर दूर गए हो, कुछ एक एक प्रदेश में ऐसे पर्व त्योहार रहते हैं जहां सब लोग इकट्ठा आते हैं, एक घर में इकट्ठा आते हैं, मिलकर त्योहार मनाते, क्यों? हमारा परिवार है, परिवार का बंधन भी है। अगला कदम कौन सा है? अगला कदम है राष्ट्र, हमारा राष्ट्र है, जो राष्ट्र सारी दुनिया को विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ दे सकता है, मनुष्य की स्वतंत्रता और कर्तव्य का बंधन दोनों का मेल बना सकता है, शरीर मन बुद्धि को एक साथ सुखी करके आत्मा की ओर चला सकता है, मनुष्य मनुष्यों के समाज नामक समूह और सारी सृष्टि का विकास एक साथ करते हुए सारी सृष्टि को परमेष्टि की ओर बढ़ा सकता है। वो धर्म हमारे पास है, वो संतुलन हमारे पास है, वो कला विद्या हमारे पास है,
उसको सारी दुनिया को समय समय पर देना यह हमारे राष्ट्र के दुनिया में अस्तित्व का प्रयोजन है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षयन् पृथिव्याम सर्वमानवा। इसके लिए हमारा राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र दुनिया पर एक बाजार का डंडा चलाने के लिए नहीं है। हमारा राष्ट्र दुनिया में अपने साम्राज्य की भूमिका विस्तार करते हुए लोगों की संस्कृति बदलकर सबको अपने रंग में रंगने के लिए नहीं है। हमारा राष्ट्र सबको इस प्रकार सुखी जीवन जीने की कला दिखाने वाला राष्ट्र है, अपने जीवन से दिखाने वाला राष्ट्र। इसलिए हम संघ के लोग कहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमारी हिंदू का मतलब यही है। इस राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? यह राष्ट्र जब सुरक्षित परम वैभव संपन्न होगा तब हमारी रक्षा होगी। और इसलिए इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न सुखी बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए केवल अपने भाई के पास, अपने बहन के पास मत जाओ, केवल अपने यजमानों के या पुरोहितों के पास मत जाओ। सब आओ, घर के बाहर आओ, मैदान पर आओ, एक दूसरे को राखी बांधो। ये कार्यक्रम हम संघ के लोग करते ही है, रक्षाबंधन का उत्सव करते ही है। संस्कृति सुरक्षा ये जिनको करनी है उन सबको सारे समाज में ये प्रबोधन करना पड़ेगा। और संस्कृति सुरक्षा होनी चाहिए ऐसा जिन जिन लोगों को लगता है उनको ये समझना पड़ेगा और अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा। उसका स्मरण है ये, अपने घर में भी आप रक्षाबंधन करते समय ध्यान रखना कि मेरे अपने जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरे परिवार का प्रयोजन क्या है, मेरा अपना जीवन और मेरा परिवार उसका जीवन सुखी समृद्ध और सुरक्षित कब होगा? जब इस राष्ट्र का जीवन सुखी समृद्ध सुरक्षित होगा। बकासुर के संकट से चिंताक्रांत वो एक परिवार वो शोक कर रहा था। पिताजी कह रहे थे मैं जाऊंगा, पत्नी कह रही थी नहीं 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 आप तो सबको दाना पानी देने वाले, आप रहो, मैं जाती हूं, बच्चे तुम्हारे आपके सुरक्षा की छाया में बड़े हो जाएंगे। तो बड़ी लड़की कहती थी नहीं तो भी मुझे पराए घर में ही जाना है तो मुझे उस राक्षस को ही दे डालो, मैं वहीं जाके मर जाती हूं, नहीं तो भी आपको दूसरा क्या लाभ है मेरा। और बच्चा छोटा था लेकिन वो कहता था ऐसे कैसे मेरे होते हुए आपको कौन हाथ लगा सकता है, मुझे एक डंडा दे तो मैं जाके उस राक्षस को मार दूंगा। ऐसा संवाद चल रहा था। कुंती ने सुना, उनके घर में रहती थी, लाक्षागृह से बाहर आने के बाद अज्ञातवास में अपने पुत्रों के साथ उसने कहा हम आपके अतिथि है और आपने हमको आश्रय दिया है, भले ही 3 दिन के लिए दिया हो लेकिन मूल्य तो कुछ नहीं है उसका और मूल्य हो भी नहीं सकता। तो आपके उपकारों का बदला चुकाने के लिए क्या संकट की चर्चा आप कर रहे हैं हमको बताओ, उसका कुछ उपाय अगर मेरे साथ है तो मैं करती हूँ। सारी कहानी उसको पता चलने के बाद उसने कहा कि ऐसा करो आप में से कोई मत जाओ, मैं मेरे एक पुत्र को भेज देती हूँ। और बहुत मना के उनको तैयार किया और घर में आके पांडवों को क्या कहती है, पांचों पांडवों को बिठा कर कहती है कि जिस बात के लिए तुम्हारा लालन पोषण करके तुमको बता किया था, बड़ा किया था, ऐसा एक कर्तव्य आया है और इसलिए मैं चाहती हूं कोई भीम जाए। पांडवों को बड़ा किया, क्यों किया? केवल अपना राज्य पाने के लिए बड़ा नहीं किया था, समाज पर ऐसे संकट आते हैं तो राक्षस के मुंह पर कौन जाएगा। तो एक परिवार ऐसा था कि जो कहता था मेरा अपना पुत्र जाएगा, इसलिए वह पुत्र वो परिवार पूरा का पूरा भारत में धर्म संस्थापना का फिर से आधार भगवान ने बनाया। उसको कौरवों के तो 100 थे, ज्यादा संख्या थी, कृष्ण ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? कृष्ण क्या उनको बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते थे? रखते थे, लेकिन बदलना नहीं था, जो जैसा है उसकी योग्यता की परख करनी थी। ऐसे अनेक प्रसंगों में से पांडवों के परिवार के संस्कार का पता चला कि ये नित्य विस्तारित बंधनों को मानने वाले लोग हैं। रक्षाबंधन क्या है इनको मालूम है।
देश के लिए बंधन स्वीकार करने की इनकी हिम्मत है, और इसलिए फिर से धर्म संस्थापन करने वाले साम्राज्य की आधारशिला पांडव बने। आज अपने देश को आवश्यकता है उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब लोग जानते हैं। कितने संकटों से दुनिया और अपना देश घिरा है, दोनों घिरे हैं, और दुनिया के पास उन संकटों का परिहार का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास है, और दुनिया को उसको देते रहना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए हम खड़े हो जाए, भारत खड़ा हो जाए। कैसे होगा? भारत के सामान्य लोगों को, सामान्य परिवारों को इस प्रकार रक्षाबंधन के इस सामाजिक सांस्कृतिक आशय को ध्यान में रखकर खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए प्रतिवर्ष ऐसा इकट्ठा आकर एक बार एक भाषण का कार्यक्रम, भाषण क्यों, मनोरंजन के लिए नहीं, भाषण चिंतन के लिए है और चिंतन परिवर्तन के लिए। हम आत्मचिंतन करें कि मेरा जीवन इस बंधन को स्वीकार करके चल रहा है कि नहीं। हम लोगों में कोई विवेकानंद यहां बैठा नहीं है, हम लोगों में कोई राजा शिवाजी सुभाष चंद्र बोस यहां बैठे नहीं, हम सामान्य लोग हैं। लेकिन विवेकानंद, शिवाजी और सुभाष चंद्र भी सामान्य ही थे, पहले जन्मता वैसे नहीं थे, धीरे धीरे बने। हम भी बन सकते हैं, हो सकता है उतना कदम आगे न जाए, लेकिन आज है वहां से 10 कदम तो आगे जा सकते। बाप रे, विवेकानंद कैसे बना? और विवेकानंद बने कैसे? एकदम विवेकानंद बने क्या वो? ऐसे नहीं बने। जो ऐसे एकदम बन जाते हैं उनको हम अवतार कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करते। ये लोग अवतार नहीं थे इस अर्थ में, होंगे भी पता नहीं मुझे, लेकिन इस अर्थ में वो अवतार नहीं थे। वो तो हमारे लिए उदाहरण थे कि हमारे जैसे ही घर परिवार में जन्म लेकर कितना आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमको लगता है विवेकानंद कैसे बनना, वो तो हमसे 1,00,000 कदम आगे है। 1,00,000 कदम आगे, जितना आगे जाएंगे उतना आगे जाएंगे, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतने हम व्यक्तित्ववान मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। अगर हम घर में बैठे रहे, पीछे रहे, कदम डालना शुरू ही नहीं किया, तो पशुओं में और हम में केवल बायोलॉजिकल डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ नहीं। और वो तो सब प्रकार के जीव जंतुओं में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, अलग अलग जनर है, अलग अलग स्पीसीज है। हम केवल इतना ही अंतर रखते हैं क्या? नहीं, हम मनुष्य है, हम व्यक्तित्ववान लोग हैं, तो हमको रक्षा के लिए बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। रक्षा के लिए बंधन स्वीकार करने वाले समाज की सुरक्षा भी होती है, विकास का विकास भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है, और केवल इतना नहीं, ऐसा होकर वह समाज अन्य समाजों के लिए पथ प्रदर्शक समाज बनता है। पथ प्रदर्शक समाज बनने के लिए पथ के पांथिक साथियों को अपने साथ आगे ले जाने वाला व्यक्ति और परिवार, हमको और हमारे परिवार को बनना है। इतना आपने समझ लिया और इसको समझकर आज के रक्षाबंधन को मनाया, तो अपने देश के और दुनिया के संकट मोचन और भाग्य परिवर्तन के दिन बहुत दूर नहीं है। इतना ही निवेदन आपके सामने आज के दिन रखना चाहता हूं।